अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शम्स टाइम्स न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। भैंसा एडिशनल एसपी किरण खेरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि जिला निजामाबाद के एड़पल्ली की एक जांच रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया गया, जो तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में सरखा किया करते थे। इसको भैंसा पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की निगरानी में इस टोली को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सरखा की गई जुमला 13 मोटर गाड़ियों को भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया और इनके खिलाफ एक केस भी दर्ज कर लिया गया है। आइए नाजरीन देखते हैं इसकी तफसीली रिपोर्ट। शम्स टाइम्स न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भैंसा में यहाँ पे एक बाइक थेफ्ट का केस हमारे सामने आया, उसके अंदर पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक सीसीटीवी द्वारा हमें एक सस्पेक्ट पर्सन मिला। बाद में उसको हमने ट्रैक करते हुए एक पर्सन को, श्रीकांत नाम है उसका, उसको हमने अरेस्ट किया। उसके बाद में हमने एक बाइक सीज किया और बाद में हमें पता चला एक थोरोली इन्वेस्टिगेशन करते हुए कि एक बड़ा गैंग है और काफ़ी पूरे एक साल से कंटिन्यूसली एक बाइक यहाँ पे चोरी कर रहे हैं। तो इसी के अंदर हमने टोटल 5 लोगों को कस्टडी में लिया है। 5 लोगों को, इसमें से 2 लोग जो थे जिनका नाम है श्रीकांत, रेसिडेंस ऑफ एड़ापल्ली, अबुल्लू, रेसिडेंस ऑफ एड़ापल्ली, दोनों लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से बाइक चोरी करते थे और बाद में जो 3 लोग हैं रिसीवर्स उनको भेजते थे, उसमें से 3 लोगों का नाम है दुब्बस और श्रीकांत, रेसिडेंस ऑफ एड़ापल्ली निजामबाद डिस्ट्रिक्ट, वंगा रविकांत गौ, रेसिडेंस ऑफ एड़ापल्ली, पामुलु शिवाजी, रेसिडेंस ऑफ एड़ापल्ली। ऐसे टोटल 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया, जिसमें से जो 2 लोग हैं जैसे बताया मैंने कि नॉर्मली बाइक थेफ्ट करते थे, बाकी जो 3 लोग थे उनका काम था कि कोई भी कस्टमर्स, नए नए कस्टमर्स ढूंढना है और उनको कमीशन के तौर पे बाइक सेल करना है। तो ऐसे 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। उनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी नॉर्मली ये थी कि जहाँ पे भी बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या कोई भी ऐसा सुमसान प्लेस है जहाँ पे कोई लोग नहीं है, ऐसे जगह से उनके पास एक मास्टर की था या एक जो एबंडन व्हीकल से, पुराने व्हीकल से, उन व्हीकल्स को चुराते थे और लेके जाते थे। इसमें हमने टोटल पुलिस की तरफ से रिकवरी करते हुए टोटल 13 व्हीकल्स को हमने रिकवर किया। इसमें HF डिलेक्स हाई व्हीकल्स, बजाज पल्सर 2 व्हीकल, हीरो स्प्लेंडर 2, हीरो CD डिलक्स 1, पैशन प्रो 2 और पैशन प्लस 1, ऐसे टोटल 13 व्हीकल्स हमने सीज किए। ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से है, जैसे कि कामारेड्डी, महबूब नगर, निजामबाद, निर्मल डिस्ट्रिक्ट, ऐसे सारे एक पूरा गैंग चल रहा था, इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग चल रहा था। इन लोगों का हमने अरेस्ट किया। इसमें पुलिस की तरफ से जो अच्छा काम किया, इसका एक अच्छा भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट की तरफ से प्रवीण कुमार टाउन सी है के अंडर द लीडरशिप यहाँ पे अच्छा काम हुआ है। इसमें सब इंस्पेक्टर तैसुद्दीन, पुलिस कॉन्स्टेबल भूषण, पुलिस कॉन्स्टेबल गंगाधर और साथ में होमगार्ड श्रीकांत, इन लोगों ने एक अच्छा काम किया है। इससे हमें पता चलता है जो इंसिडेंस हुआ है कि लास्ट के 6-7 महीने से, जब से भैंसा में CCTV इंस्टॉल हुआ है, तब से CCTV बेस्ड पुलिस की तरफ से काफ़ी अच्छे रिकवरीज हो रहे हैं।